हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था एल्बो जॉइंट के बारे में, काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा। अब पढ़ते हैं इसके मूवमेंट के बारे में। तो इसमें दो मूवमेंट हमें एल्बो जॉइंट में दिखाई देगा। फर्स्ट वन इज़ अ फ्लेक्जन, इस तरीके से इसका फ्लेक्जन होगा और जब वापस जाएगा तो इसका एक्सटेंशन होगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट पूछ रहा है, व्हाट इज़ फ्लेक्जन, व्हाट इज़ एक्सटेंशन। तो एल्बो जॉइंट में जब एंगल्स डिक्रीज होगा, जो सरफेस हैं दोनों के, जो फ्लेक्जर सरफेस है वो पास होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका फ्लेक्जन कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि जो फ्लेक्जन होगा एल्बो जॉइंट में, उसमें दो मसल्स, इसमें जो मसल्स काम करेगी उस मसल्स का नाम याद रखिएगा। तो बहुत इजी है, फ्लेक्जन में जितने भी मसल्स होंगे वो सब किससे हैं, बी से हैं। तो ब्रेकियम की मसल्स ब्रेकियलिस कहलाएगी, दो हेड वाली मसल्स बाइसेप्स कहलाएगी, और ब्रेकियम और रेडियस को जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ब्रेकियो रेडियलिस कहलाएगा। तो फ्लेक्जन में तीन मसल्स हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन ब्रेकियम से आएगा, ब्रेकियलिस, सेकंड बी बाइसेप्स, थर्ड बी ब्रेकियो रेडियलिस। तो जो एल्बो जॉइंट है उसके मूवमेंट में तीन मसल्स हेल्प करती है, ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियो रेडियलिस, क्लियर। जबकि एक्सटेंशन में तो डेफिनेटली इस तरीके से फ्लेक्जन होगा और इस तरीके से जब वापस जाएगा तो उसका एक्सटेंशन होगा। तो इसके एक्सटेंशन में देखा जाए तो वो मसल्स हेल्प करेगी जो इसके पोस्टरली सिचुएटेड है, और इसके पोस्टरली हमने सिचुएटेड क्या पढ़ा था, आंट से। तो ए फॉर एनकोनियस एंड टी फॉर ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो एल्बो जॉइंट के पोस्टरली आपको कौन सी मसल्स मिलेगी, दो मसल मिलेगी, तो वो दोनों एक्सटेंशन में हेल्पफुल होगी। दो मसल्स कौन कौन सी है, एनकोनियस एंड ट्राइसेप्स ब्रेकाई, क्लियर। ये हो गया इसका मूवमेंट। फिर शॉर्ट नोट्स में एक पूछता है कैरिंग एंगल। तो कैरिंग एंगल के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, वो क्या है कि जब ह्यूमरस, तो ह्यूमरस के लोअर एंड में जब आप आते हैं, लोअर एंड की तरफ देखते हैं, तो ह्यूमरस के लोअर एंड में यहाँ पर ट्रॉक्लिया है, दिस वन इज कैपिटुलम, दिस वन इज ट्रॉक्लिया। तो जो ट्रॉक्लिया का मिडिल पार्ट है, मिडिल फेलेंजेस है ट्रॉक्लिया का, वो लेटरल की तुलना में 6 mm डीपर होता है, लेटरल की तुलना में 6 mm डीपर होगा, जिसकी वजह से जब इसके साथ ट्रॉक्लिया जुड़ता है तो ट्रॉक्लिया थोड़ा सा जो है वो एंगल फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं कैरिंग एंगल, क्लियर। वाइवा में, पीजी में बहुत पूछता है व्हाट इज़ कैरिंग एंगल। तो जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के लोअर एंड की तरफ जब आएंगे तो ट्रॉक्लिया की तरफ जब आप आते हैं तो ट्रॉक्लिया का जो मिडिल फेलेंज है, दिस वन, ये जो मिडिल फेलेंज लेटरल फेलेंज की तुलना में 6 mm डीपर है, 6 mm डीपर होने की वजह से जो ह्यूमरस के लोअर एंड के साथ जब ट्रॉक्लिया जुड़ती है तो एक एंगल फॉर्म करती है, हम कहते हैं कैरिंग एंगल, क्लियर हो गया। इस कैरिंग एंगल का जो वैल्यू है वो अलग अलग बुक में अलग अलग है। ओल्ड बुक्स में 163 दिखता है, जबकि नए बुक में 13 degree या 30 degree मिलता है, ठीक है। तो वो आप ऑप्शन देख कर लगाइएगा, नए बुक में जो होगा वो एग्जैक्टली वही अपडेटेड है, पुरानी बुक में 163 है, तो ऑप्शन आप देख के लगाइएगा। 163 अगर है, बाकी ऑप्शन नहीं है, दैट विल बी द करेक्ट वन। और नए बुक में कितना दिया है, 13 degree है, कुछ बुक में 30 degree दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज कैरिंग एंगल, तो ह्यूमरस का लोअर एंड में जो ट्रॉक्लिया है तो उस ट्रॉक्लिया का मिडिल फेलेंज लेटरल की तुलना में 6 mm डीपर होता है, और इस 6 mm डीप होने की वजह से जब वो ट्रॉक्लिया उसके साथ जुड़ता है तो वो कैरिंग एंगल फॉर्म करेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 mm डीपर होगा और 163 degree या 30 degree उसका क्या है, वैल्यू है। यह हो गया कैरिंग एंगल। अब हम एल्बो जॉइंट से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करें, तो जो एल्बो जॉइंट का डिस्टेंशन है वो कॉमन होगा किसकी वजह से, अगर एल्बो जॉइंट में कोई इफ्यूज़न हो गया। तो एल्बो जॉइंट में इफ्यूज़न जनरली कहाँ होता है, पोस्टीरियरली इसका इफ्यूज़न हमें दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो पोस्टीरियरली कैसी होती है, वीक होती है। तो एल्बो जॉइंट में कैप्सुलर लिगामेंट पोस्टीरियरली वीक होता है किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या कंटिन्यूस जगह पर प्रेशर पड़ने की वजह से, वहाँ आपको इफ्यूज़न हो सकता है, फ्लूड डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्बो जॉइंट का डिस्टेंशन हमें दिखाई देता है। अब अगर इस फ्लूड को बाहर निकालना है, इस इफ्यूज़न में जो एक्यूमुलेटेड फ्लूड है उसको बाहर निकालना है, तो एस्पिरेशन करना पड़ेगा। और इसमें एस्पिरेशन किस तरीके से किया जाता है, तो पोस्टीरियरली इसमें से एस्पिरेट करेंगे थ्रू द ओलेक्रोनन प्रोसेस। तो वापस एक बार रिकॉल करते हैं, जब बोन को आप देखेंगे तो ये अल्ना का, दिस वन इज़ कोरोनाइड प्रोसेस एंड दिस वन इज़ ओलेक्रोनन प्रोसेस।
तो ओलेक्रोनान प्रोसेस, पोस्टरियरली ओलेक्रोनान प्रोसेस के किसी भी साइड से यहाँ जो फ्लूड एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, यहाँ जो फ्लूड का एक्यूमुलेशन हुआ है, इफ्यूज़न हुआ है, उसको एस्पिरेट करके बाहर निकाला जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंशन ऑफ एल्बो ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट का डिस्टेंशन किस कंडीशन में मिलेगा? जब एल्बो ज्वाइंट के पोस्टरियरली जो कैप्सुलर लिगामेंट वीक है वहाँ इफ्यूज़न हो जाएगा, फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे डिस्टेंशन ऑफ एल्बो ज्वाइंट। अब इस फ्लूड को एस्पिरेट करना होगा तो पोस्टरियरली किसी निडिल को पोस्टरियरली ओलेक्रोनान प्रोसेस की किसी भी साइड से एस्पिरेट कर, मतलब प्रिक करेंगे, और प्रिक करने के बाद एस्पिरेट कर लिया जाता है, पहला। दूसरा क्लिनिकल एनाटॉमी है डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। तो हमने अभी बात की कि जो पोस्टीरियर साइड कैप्सुलर लिगामेंट है वो वीक है, इसीलिए किसी ट्रॉमा की वजह से या फोर्सफुल, जब हम उसे फ्लेक्सन करेंगे तो कोई भी ऐसा फोर्सफुल एक्टिविटी की वजह से जो एल्बो जॉइंट्स के आर्टिकुलर सरफेस हैं, ठीक है, वो अपनी जगह से हट जाएंगे, अपने लोकेशन से हट जाएंगे, ये कहलाएगा इसका डिसलोकेशन। किस साइड होगा? पोस्टीरियर साइड ही होता है, क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर साइड कैप्सुलर लिगामेंट वीक है। ये डिसलोकेशन ऑफ एल्बो किसके साथ मिलता है? तो हम बात करते हैं अल्ना में, तो अल्ना का जो कोरोनाइड प्रोसेस है, यहाँ देखिए आप, तो अल्ना का ये जो कोरोनाइड प्रोसेस है, तो अल्ना का जब कोरोनाइड प्रोसेस फ्रैक्चर होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो अल्ना है, अल्ना का कोरोनाइड प्रोसेस है, वो कोरोनाइड फोसा में अटैच है। तो जब कोरोनाइड प्रोसेस में फ्रैक्चर होता है, तो उस फ्रैक्चर के साथ साथ आपको एल्बो ज्वाइंट का डिसलोकेशन भी कॉमनली जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। अब आते हैं सबलक्सेशन। तो बच्चों में कई बार आप जब बच्चों के हाथ को फोर्सफुली आप खींचते हैं, फोर आर्मों को सडनली पुल करते हैं, तो उसकी वजह से प्रोनेशन होगा। और जब ये प्रोनेशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रेडियस का हेड है वो एनुलर लिगामेंट से स्लिप आउट होकर बाहर आ जाएगा। समझिए, अगर फोर्सफुली आप पुल कर रहे हैं किसी जनरली बच्चों के हाथ को आप तेज़ी से खींच रहे हैं, तो यहाँ देखिए, दिस वन इज़ एनुलर लिगामेंट, ये एनुलर लिगामेंट है, इसके अंदर जो है वो रेडियस फिट है। तो फोर्सफुल पुल करेंगे तो ये जो रेडियस है एनुलर लिगामेंट के, जहाँ वो फिट है वहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये कहलाता है सबलक्सेशन। बोन का अपनी जगह से हट जाना डिसलोकेशन, लेकिन बोन का किसी लिगामेंट्स के अंदर सिचुएटेड होके उसकी उस नॉर्मल जगह से हट जाना कहलाएगा सबलक्सेशन। तो चिल्ड्रन में अगर फोर आर्म को सडनली पुल किया जाएगा प्रोनेशन में, तो क्या होगा कि जो ये रेडियस का हेड है जो एनुलर लिगामेंट के अंदर है वो अपनी जगह से हट जाएगा, ये कहलाएगा क्या? सबलक्सेशन। क्लियर। अब बात करते हैं हम टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड है। तो टेनिस एल्बो में क्या होता है कि एब्रप्ट प्रोनेशन नॉर्मली ना होके, अगर प्रोनेशन को आप एबनॉर्मली या फोर्सफुल प्रोनेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेन होगा, टेंडरनेस होगा, कहाँ पर? लेटरल एपिकॉन्डाइल में। तो जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के लेटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ यहाँ पेन होता है। क्यों होगा? अगर आप प्रोनेशन को फोर्सफुली या एब्यूसिव प्रोनेशन करते हैं तो उसकी वजह से पेन और टेंडरनेस होगा, कहाँ पर? लेटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ यहाँ। क्लियर। ये क्यों हो सकता है? अगर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, दिस वन इज रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, अगर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट में स्प्रेन हो जाए, या जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, सबसे जो एक्सटेंसर की जो मसल्स है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस के फाइबर में टीयरिंग हो जाए। तो एक्चुअली अगर एक उदाहरण से देखें तो सचिन तेंदुलकर जो हैवी बैट को यूज़ करते हैं और वो ग्लांस करते हैं, जिस तरीके से वो बैट को मूव करते हैं, तो लेटरल एपिकॉन्डाइल्स में रिलेटेड जो मसल्स है, दैट इज़ अ रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, तो वहाँ स्प्रेन होने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम जिससे लेटरल एपिकॉन्डाइल पर इसमें स्प्रेन हो जाए, तो वहाँ आपको क्या दिखाई देगा? टेनिस एल्बो दिखाई देगा, या जो लेटरली मसल्स है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ये जो मसल्स की जो फाइबर्स है उसमें टीयरिंग हो जाए, तब भी आपको क्या मिलेगा? टेनिस एल्बो दिखाई देगा। अब आते हैं माइनर्स और स्टूडेंट एल्बो। तो माइनर्स या स्टूडेंट एल्बो में क्या होता है कि जो ओलेक्रोनान प्रोसेस है, वापस एक बार यहाँ आते हैं, दिस वन इज कोरोनॉइड प्रोसेस एंड दिस वन इज ओलेक्रोनान प्रोसेस। तो जो ओलेक्रोनान प्रोसेस का पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ तो ओलेक्रोनान के पोस्टीरियर सरफेस में जो बरसा है वहाँ पर, सबक्यूटेनियस बरसा ओलेक्रोनान प्रोसेस के पीछे में,
तो यहाँ पर अगर इस बर्सा में फ्लूड का इफ्यूज़न हो जाए, ये कहलाता है माइनर्स या स्टूडेंट्स एल्बो। तो स्टूडेंट्स हैं वो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए जब वो पढ़ते हैं, बैठते हैं बेंच पे, तो वो अपने ओलेक्रोनन प्रोसेस को टेबल पे रखते हैं। तो कंटिन्यू इस तरीके से अगर वो सिटिंग है या पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि इस ओलेक्रोनन प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस में जो बर्सा है, सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रोनन प्रोसेस में जो बर्सा है, वहाँ इफ्यूज़न हो जाएगा और ये कहलाएगा क्या, इसका माइनर्स एल्बो। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एल्बो ज्वाइंट। तो हमने एल्बो ज्वाइंट में उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, एल्बो ज्वाइंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके आर्टिकुलर सरफेस के बारे में पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड लिगामेंट, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, उसमें उसके मूवमेंट्स और उसकी क्लिनिकल टर्मी हमने कंप्लीट की। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एल्बो ज्वाइंट। थैंक यू वेरी मच।